बिहार के मोतिहारी से अवैध शराब की खेप जब्त किए जाने की खबर है, जिसकी कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। नीतिगत तरीके से प्रशासन की ओर से अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और जांच के बाद एलईडी बल्ब के पीछे छिपाकर रखे 160 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए गए। फिलहाल शराब की तस्करी में शामिल अपराधियों की पहचान की जा रही है। प्रशासन की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर तस्कर की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। सूचना मिली थी कि कोटवा में ट्रक से किसी सामान के आड़ में विदेशी शराब का उतारा जा रहा है, तो तुरंत मनीष शराफ हैं हमारे अवर निरीक्षक, उनके नेतृत्व में टीम गठित करके भेजा गया। तो एक ट्रक सीज हुआ जिसमें कि एलईडी बल्ब और उसके नीचे शराब, लगभग 160 पेटी शराब था और एलईडी बल्ब था, और एक ड्राइवर की भी अरेस्टिंग हुई है। और गाड़ी से जो पेपर सीज हुआ है उसमें नोएडा से 19 तारीख को गाड़ी वहाँ से डिस्पैच हुआ था पटना के लिए, और 160 पेटी जो शराब है वो अलग अलग ब्रांड का है, उसमें बियर भी है और फॉरेन लिकर भी है। एक व्यक्ति की जो अरेस्टिंग हुई है वह यूपी का है, और जो ट्रांसपोर्टर है जिससे जिसके थ्रू ये बल्ब का ये किया जा रहा था, उसके डॉक्यूमेंट की जांच हो रही है। उसमें 32 लाख के बल्ब होने का बिल्टी भी मिला है, लेकिन उसकी जांच की जा रही है कि ट्रांसपोर्टर फर्जी है या फिर यह जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित पेपर है या बिल्टी है उसकी सत्यता की जाँच की जा रही है। और शराब लगभग 24 लाख का है, कई ब्रांड्स की विदेशी शराब है, बियर है और ओरिजिनल शराब है, तो लगभग 24-25 लाख का शराब, लगभग 80-90 लाख रुपया होगा, सारे सामग्री की कीमत 90 लाख रुपया होगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।